Hi friends, my name is Afzal Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद इंडियन इंग्लिश राइटर थे जो स्पेशली अपने नॉवल के लिए जाने जाते हैं। सो इनके नॉवल्स को डिस्कस करने से पहले इनके लाइफ के कुछ वर्क्स और लाइफ के कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 में हुआ था और इनकी डेथ होती है 28 सितंबर 2004 में। मुल्क राज आनंद स्पेशली एक इंडियन राइटर थे जिन्होंने अपने वर्क्स को इंग्लिश में लिखा था। मुल्क राज आनंद ने इंडियन सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम गरीबी और कास्ट सिस्टम के सब्जेक्ट पर अपने नॉवेल्स लिखे थे। फैक्ट नंबर 2, मुल्क राज आनंद का जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। तब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर से अपनी पढ़ाई की थी और इन्होंने 1924 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त किया था। फैक्ट नंबर 3, मुल्क राज आनंद को एंग्लो इंडियन फिक्शन का पायनर्स माना जाता है। इनके साथ में जो दूसरे राइटर थे वो थे आर के नारायण, अमजद अली एंड राजा राव। ये अपने टाइम के दूसरे राइटर्स के जैसे ही फेमस थे और इनकी जो रीडरशिप थी वो इंटरनेशनल थी। फैक्ट नंबर 4, मुल्क राज आनंद अपने एक नॉवल अनटचेबल जो पब्लिश हुआ था 1935 में, उससे फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद में उनके ऐसी ही और उसी थीम पर दूसरे भी नॉवल आए, जैसे कि कुली जो पब्लिश हुआ था 1936 में, और इसके बाद में टू लीव्स एंड ए बर्ड जो पब्लिश हुआ था 1937 में। इनकी थीम थी इंडियन सोसाइटी में फैली गरीबी, कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। फैक्ट नंबर 5, अपने टाइम में मुल्क राज आनंद की दूसरे राइटर्स से भी फ्रेंडशिप थी जो राइटर्स ब्लूम्सबरी ग्रुप के थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप एक इंग्लैंड का आर्टिस्टिक ग्रुप था जिसमें फेमस राइटर्स थे जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ। फैक्ट नंबर 6, मुल्क राज आनंद का लिटरेरी करियर एक उनके ही फैमिली के एक इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ था और तभी स्टार्ट हुआ था। और उनकी फैमिली का ये इंसिडेंट कास्ट सिस्टम से रिलेटेड होता है जिसमें उनकी जो आंट होती हैं वो अपना खाना एक मुस्लिम परिवार के साथ में शेयर कर लेती हैं। इसलिए उनका जो उनकी जो फैमिली होती है, यानी कि मुल्क राज आनंद की जो फैमिली होती है, उनकी आंट को एक्सक्लूड कर देती हैं अपनी फैमिली से, इसलिए वो सुसाइड कर लेती हैं। और इस चीज़ ने मुल्क राज आनंद को काफ़ी इंस्पायर किया और उन्होंने तभी से अपने लिटरेरी करियर जो है स्टार्ट किया। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ लिखा, कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ लिखा, सोसाइटी में फैली बुराइयों के ख़िलाफ़ लिखा। फैक्ट नंबर 7, मुल्क राज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकिंस कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भी चार्ल्स डिकिंस की तरह अपने देश की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में लिखा था। फैक्ट नंबर 8, उनके एक नॉवल का इंट्रोडक्शन फेमस राइटर ईएम फॉस्टर ने लिखा था और उनकी मुलाकात ईएम फॉस्टर से तब हुई थी जब टीएस इलियट के लिए वो काम कर रहे थे उनकी मैगजीन क्राइटेरियन में। ईएम फॉस्टर ने एक फेमस नॉवल लिखा है जिसका नाम है ए पैसेज टू इंडिया। फैक्ट नंबर 9, जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रही थी तब वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट काम किया था, एज ए वॉलेंटियर। फैक्ट नंबर 10, और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी तब उन्होंने एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम किया था बीबीसी लंदन के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात जॉर्ज ऑरवेल से होती है और वो दोनों फ्रेंड बन गए थे वहाँ पर। जॉर्ज ऑरवेल भी उस टाइम के अच्छे खासे राइटर थे इंग्लैंड के। फैक्ट नंबर 11, ऑरवेल ने आनंद के एक नॉवल जिसका नाम है द स्वर्ड एंड द सिकल, उसको रिव्यू लिखा था और ये टाइटल भी ऑरवेल ने ही सजेस्ट किया था। ये जो नॉवल है वो पब्लिश हुआ था 1942 में। फैक्ट नंबर 12, और बाद में इंडिया में आकर वो फाउंडर बने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के। फैक्ट नंबर 13, जब मुल्क राज आनंद 98 ईयर्स ओल्ड थे तब उनकी डेथ नमोनिया से पुणे में हो गई थी 28 सितंबर 2004 में। ये थे मुल्क राज आनंद के लाइफ के और वर्क्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स। और अब बात करते हैं कि मुल्क राज आनंद ने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके नॉवेल्स के बारे में कि मुल्क राज आनंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आता है अनटचेबल, ये पब्लिश हुआ था 1935 में। इसके बाद आता है कुली, ये पब्लिश हुआ था 1936 में। इसके बाद में टू लीव्स एंड ए बर्ड, ये पब्लिश हुआ था 1937 में। इसके बाद द विलेज 1939 में। इसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स
ये पब्लिश हुआ था 1939 में। इसके बाद द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये पब्लिश हुआ था 1942 में। इसके बाद में द बिग हार्ट 1945 में। द लॉस्ट चाइल्ड, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी 1934 में। इसके बाद में सेवन समर्स, ये एक मेमर है जो पब्लिश हुआ था 1951 में। इसके बाद में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये पब्लिश हुआ था 1953 में। इसके बाद में द ओल्ड वुमन एंड द काउ, ये पब्लिश हुआ था 1960 में। नेक्स्ट आता है द रोड, ये पब्लिश हुआ था 1961 में। इसके बाद में द डेथ ऑफ ए हीरो, ये लास्ट नावल है मुल्क राज आनंद का, ये पब्लिश हुआ था 1964 में। ये थे इनके नावल्स, और अब बात करते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, जो पब्लिश हुई थी 1934 में। इसके बाद में द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944 में, ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आती है द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गोडेस एंड द अदर स्टोरीज, ये पब्लिश हुई थी 1947 में। इसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज 1953 में, ये पब्लिश हुई थी। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1953 में, ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद में लाजवंत एंड अदर स्टोरीज 1966 में। नेक्स्ट आती है बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर 1973 में। इसके बाद में इंडियन फेरी टेल्स 1946 में। इसके बाद में मोर इंडियन फेरी टेल्स, ये लास्ट स्टोरी कलेक्शन है मुल्क राज आनंद का, ये पब्लिश हुई थी 1961 में। ये मुल्क राज आनंद का शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। उन्होंने कई सारी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं जो इस तरह से हैं। सेवन समर्स, ये पब्लिश हुई थी 1951 में। इसके बाद में आती है मॉर्निंग फेस, ये पब्लिश हुई थी 1971 में। इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया में जो दिया जाता है वो मिला था। इसके बाद में आता है कॉन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, जो पब्लिश हुई थी 1981 में। इसके बाद में लास्ट आती है पिल पाली साहब, ये पब्लिश हुई थी 1985 में। ये सारे थे मुल्क राज आनंद के वर्क्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में लिखे। और अब बात करते हैं कि इनके लिए उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो सबसे पहला अवार्ड उन्हें मिला 1953 में, इंटरनेशनल पीस प्राइज। इसके बाद में 1968 में पद्म भूषण। इसके बाद में 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को मिला। अब तक हमने मुल्क राज आनंद के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया। इसके बाद में हमने देखा कि अपनी ज़िंदगी में मुल्क राज आनंद ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में बात की। अब हम उनके नॉवेल्स को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। इन नॉवेल्स पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और जितना नॉवेल्स इम्पोर्टेंट होगा उसकी उतनी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका नॉवेल है वो आता है अनटचेबल, जो पब्लिश हुआ था 1935 में। जैसे कि हमने पहले बात की है कि ये जो नॉवल है वो इंस्पायर हुआ था उनके ही एक फैमिली इंसिडेंट पर, जिसमें मुल्क राज आनंद की आंट को एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है उनकी ही फैमिली द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम वुमेन के साथ में अपने खाने को शेयर कर लिया था। ये उस टाइम की कास्ट सिस्टम था, सोसाइटी में छुआछूत और ऊंच नीच को ही सब कुछ माना जाता था उस टाइम पर, और इसकी वजह से उनकी आंट ने सुसाइड कर लिया था। और इसके बाद में मुल्क राज आनंद ने ये नावल लिखा था। ऑब्वियसली अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये नावल जो बेस है वो कास्ट सिस्टम पर बेस है। इस नावल में एक लड़के की एक दिन की ज़िंदगी को दिखाया गया है जिसका नाम है बाखा। ये एक यंग लड़का है जो सफाई का काम करता है, और इसकी सफाई के काम की वजह से इसको अछूत माना जाता है, जिसे इंग्लिश में अनटचेबल कहते हैं। अब इस नॉवल की समरी के बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़के की जो इंडियन सोसाइटी में अनटचेबल है, मीन्स जिसको अछूत कहते हैं, क्योंकि ये लोग सफाई का काम किया करते थे इसलिए उनको सोसाइटी अछूत समझती थी, और जिसका नाम होता है बाखा। इसके पिता का नाम होता है लाखा, और इसका एक भाई है इसका नाम होता है राखा, और इसकी एक छोटी बहन है उसका नाम होता है सोहिनी। ये फैमिली
उस टाइम पर लैटरिन साफ करने का काम किया करती थी। मीन्स उस टाइम पर पक्की जैसे आज के टाइम में लैटरिन हुआ करती हैं वैसी नहीं होती थी। इनके काम की वजह से सोसाइटी इनको नीची निगाहों से देखती थी। इस नॉवल में दिखाया गया है कि बाका के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता है जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके द्वारा। कुछ लोग उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। जो बुरा व्यवहार करते हैं वो उसके साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उसको जो रोटियां दी जाती हैं वो फेंक करके दी जाती हैं, उसको बिना वजह पीटा जाता है सड़कों पर। अच्छे लोगों की जो गिनती होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि चरत सिंह, ये एक हॉकी प्लेयर है, ये बाघा को अपनी हॉकी देता है। मीन्स ये एक अच्छा करेक्टर है इस नॉवल में। बाघा के गाँव में यानी कि उसकी कम्युनिटी में एक पंडित होता है, वो उसकी सिस्टर सोहिनी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। और अगर बात करें उसके खुद की फैमिली की तो उसका जो पिता होता है लाखा, उसको गालियां देता है और उसको भला बुरा कहता है और उसको इसके साथ साथ में मारता पीटता भी है। इसमें दिखाया गया है कि बाका को छोटी छोटी खुशियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो चीज़ें दूसरे कास्ट के लोगों के लिए नॉर्मल होती हैं वो चीज़ें बाका के लिए चैलेंजेस बन जाती हैं। हर कोई अनटचेबल से फ़ायदा उठाना चाहता है लेकिन कोई भी उनको अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहता। यही इस नॉवल में दिखाया गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। बाद में बाघा महात्मा गांधी की स्पीच सुनता है जिसमें गांधी जी कहते हैं कि जल्द ही पक्की लैटरिन बनवाई जाएंगी और फिर किसी को भी लैटरिन साफ़ करने का कोई काम नहीं करना पड़ेगा और अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो यही सब चीज़ें इस नॉवल में हैं जो कास्ट सिस्टम का एक ब्रूटल फेस सोसाइटी के सामने लेकर के आता है। इसके बाद में मुल्कराज आनंद का नेक्स्ट फेमस नॉवल आता है कुली। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1936 में। ये नॉवल भी इंडिया में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करता है और इंडिया में फैली कास्ट सिस्टम के बारे में ये सटायर है। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कास्ट सिस्टम को खुले तौर पर ये नॉवल सामने लेके आता है। इस नॉवल में जो प्रोटागोनिस्ट है वो 14 साल का एक छोटा लड़का है जिसका नाम होता है मनु, और ये किस तरह से सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से परेशानियां झेलता है और बाद में मर जाता है, यही सब चीज़ें इस नॉवल में दिखाई गई हैं। तो इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। पहले नॉवल की स्टार्टिंग में मनु छोटा होता है जो बिलासपुर में रहता है और ये बड़ा ही खुश है। ये एक अनाथ बच्चा है जिसको इसके अंकल आंटी ने पाला है। वहाँ पर वो स्कूल जाता है, मींस अपनी ज़िंदगी में अभी तक वो काफ़ी खुश है। लेकिन जब मनु 14 साल का होता है तो उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं इस बच्चे का जो बोझ है वो नहीं झेल सकता, इसकी पढ़ाई नहीं दे सकता, अब इसे अपना खाना या अपने लिए जो खर्चा है वो खुद कमाना पड़ेगा। इसके लिए वो मनु को नौकरी कराने के लिए कहीं ले जाता है। मनु का अंकल उसको पास के टाउन सामनगर में ले जाता है, वहाँ पर उसको एक मिडिल क्लास बैंक क्लर्क के यहाँ पर एज ए नौकर छोड़ देता है। बैंक क्लर्क जो होता है मनु से अच्छे से पेश आता है लेकिन उसकी वाइफ उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाती है, उसको गालियाँ देती है, उसकी बेइज्जती करती है और बात बात पर उससे पीट भी देती है। लेकिन मनु ये सब फेस कर लेता है क्योंकि उसके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन कुछ ज़्यादा हो जाता है। जब मनु खेल रहा होता है उस बैंक क्लर्क की लड़की के साथ में तो खेलते खेलते वो उसको काट लेता है। इसकी वजह से मनु की बहुत पिटाई होती है और फिर वो वहाँ पर नहीं रहता, मनु वहाँ से भाग जाता है और वो शामनगर से भागकर दौलतपुर पहुँच जाता है। दौलतपुर में वो एक आदमी से मिलता है, उसका नाम होता है प्रभादयाल। प्रभादयाल एक पिकर और सॉस बनाने की फैक्ट्री चलाता है। प्रभादयाल और उसकी वाइफ मनु को अपने साथ रख लेते हैं, उसको नौकरी देते हैं, उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनु की ज़िंदगी का ये सबसे अच्छे दिन थे। मनु उनके साथ में बहुत खुश है लेकिन मनु की ज़िंदगी में ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी क्योंकि प्रभादयाल का जो बिजनेस पार्टनर होता है वो उसको धोखा दे देता है। इसकी वजह से प्रभादयाल की फैक्ट्री बंद हो जाती है और वो कर्ज में डूब जाता है और सड़क पर आ जाता है। इस वजह से मनु भी फिर से अनाथ हो जाता है। इसके बाद
बाद में मनु किसी तरह मुंबई चला जाता है और वहाँ पर सर्कस में काम करता है, फिर कॉटन मिल में काम करता है और सड़कों पे सोता है। और इन सब के बाद में मनु एज ए कुली भी काम करता है। मुल्क राज आनंद ने कुली का जो टाइटल दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी ज़िंदगी में कितना सारा बोझ उठाता है। इसके बाद एक दिन मनु की एक कार से टक्कर हो जाती है। ये कार मिसिस मेन वॉरेन की होती है। ये एक हाफ इंडियन वुमेन है जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट सोसाइटी से है। ये मनु को अपने साथ ले जाती है और उसकी देखभाल करती है और मनु को रिक्शा खींचने का काम दिया जाता है। रिक्शा खींचने में वो खुश है क्योंकि उसके पास में अब दूसरी चीज़ें नहीं हैं टेंशन लेने के लिए। लेकिन फिर भी जल्दी ही छोटी ही उम्र में उसे ट्यूबर क्लोसिस हो जाता है, यानी कि टीवी हो जाती है, और वो 15 साल की उम्र में मर जाता है मिसिस मेन वॉरिंग की केयर में। और इसके साथ ही इस नॉवल का एंड हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी मुसीबतें झेलता है। सो मुल्कराज आनंद का नेक्स्ट नॉवल है टू लीव्स एंड ए बड। मुल्कराज आनंद के दूसरे नॉवल्स की तरह इस नॉवल की थीम भी गरीबी के बारे में है कि सोसाइटी में गरीबों को किस तरह से सप्रेस किया जाता है, और एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी बेटी को एक ब्रिटिश सोल्जर से बचाने की कोशिश करता है। ये स्टोरी असम में टी प्लांटेशन पर बेस है और इस नॉवल पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है राही, और जिसमें मेन रोल प्ले किया है देव आनंद जी ने। इस नॉवल में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है गंगू। ये होशियारपुर में रहता है अपनी वाइफ सजनी और डॉटर लैला के साथ में। इसका एक बेटा है जिसका नाम है बुधू। गंगू पर उसकी गरीबी की वजह से बहुत सारा कर्जा हो गया है और जो उसकी ज़मीनें हैं वो भी कर्जे में ख़त्म हो गई हैं। इस वजह से गंगू सोचता है कि वो असम चला जाएगा और वहाँ पर काम करेगा ट्री प्लांटेशन में, जहाँ से उसको जो पैसे मिलेंगे उससे वो जो लैंड हैं उसके जो जा चुके हैं ख़त्म हो चुके हैं उनको फिर वापस ले लेगा। यही सोच उसको असम ले जाती है, और असम जाने के बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर उसके साथ में धोखा हुआ है और यहाँ पर लोगों से इस तरह काम कराया जाता है जैसे गुलामों से कराया जाता है। यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं गंगू के जैसे, उनको उतनी भी सैलरी नहीं दी जाती जिससे वो एक टाइम का या दो टाइम का खाना भी खरीद सकें। टाइम बढ़ता जाता है और गंगू पर जो कर्ज है उसका इंटरेस्ट डबल होता जाता है। इस वजह से गंगू को अब अपने लैंड और जो ज़मीनें हैं उसकी मीन्स वो वापस पाना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि उसे उतना पैसा नहीं मिल रहा है उसकी जॉब से जिससे वो अपने लैंड को वापस पा सके। यहाँ पर गंगू के साथ में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी फैमिली और उससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, और इसके साथ साथ में दूसरी भी परेशानियाँ हैं जो गंगू और उसकी फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर गंगू की बेटी और उसकी पत्नी सेक्सुअली अब्यूज्ड होती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक ऑफिसर होता है, ब्रिटिश ऑफिसर होता है रेजी हंट नाम का, उसकी नज़र गंगू की बेटी पर पड़ती है, लैला पर पड़ती है, और वो ऑफिसर लैला को रेप करना चाहता है। गंगू अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो रोजी हंट होता है सोल्जर होता है वो गंगू को शूट कर देता है और उसे मार देता है। ब्रिटिश ऑफिसर पर उसके लिए मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है और गिल्टी खुद गंगू पाया जाता है, ना कि वो ब्रिटिश सोल्जर। ये चीज़ें इंडिया में ब्रिटिश रूल को दिखाती हैं, और इसके साथ साथ में गरीबी को ये नॉवल रिफ्लेक्ट करता है। तो ये थी इस नॉवल की शॉर्ट में समरी। आई होप इतनी नॉलेज काफ़ी है PGT या NET एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में प्रोटैगनिस्ट या फिर मेन करेक्टर्स या दूसरे करेक्टर्स को पूछा जाता है, या फिर मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट नॉवल आता है मुल्कराज आनंद का, जिसका नाम है द विलेज। ये नॉवल उसकी ट्रिलॉजी का पहला नॉवल है। दूसरा नॉवल है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और थर्ड नॉवल है द सोर्ड एंड द सिकल। इस नॉवल का जो प्लॉट है वो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बेस है, स्पेशली ब्रिटिश रूल पर जो आज़ादी के टाइम पर इंडिया में चल रहा था। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है लाल सिंह। ये एक पंजाब का रहने वाला है और ये मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। आनंद का नेक्स्ट वर्क आता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर।
ये कहानी है एक करेक्टर की जिसका नाम होता है लालू। उसकी ज़िंदगी के खुद के एक्सपीरियंस की ये कहानी है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही होती है तो लालू ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ता है फ्रांस में। लालू को वॉर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। लालू एक इनोसेंट किसान होता है जिसकी फैमिली की ज़मीन जो होती है वो पैसों की वजह से, कर्जे की वजह से छीन ली जाती है। और लालू सोचता है कि वॉर में काम करने के बाद में जो पैसे आएंगे मैं उससे अपनी ज़मीन को दोबारा से वापस ले लूँगा। ये नॉवल इसी ट्रिलोजी का एक हिस्सा है जिसकी बारे में हमने पिछले नॉवल में बात की थी। ये सेकंड नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है द विलेज और थर्ड नॉवल है द सोर्ड एंड द सिकल, और अपने आप में ये सेकंड नॉवल है। ये पहला ऐसा नॉवल है, इंडियन इंग्लिश नॉवल है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर बेस है, जो पोर्ट्रेट करता है एक ऐसी ज़िंदगी को जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ा था जर्मनी के खिलाफ फ्रांस में। और वो सोचता है कि वॉर ख़त्म होने के बाद में एज ए रिवार्ड वो अपनी ज़मीन को वापस ले लेगा। लेकिन जब वो वापस घर पर आता है तो उसका जो परिवार होता है वो बर्बाद हो चुका होता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, मींस फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। यही सब चीज़ें इस नॉवल में मुल्कराज आनंद ने एक्सप्लोर की हैं। इसके बाद में मुल्कराज आनंद का नेक्स्ट वर्क आता है द सोर्ड एंड द सिकल। ये नॉवल 1942 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल भी उसके दूसरे नॉवल की तरह ही सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बेस है। स्पेशली ये नॉवल बात करता है राइज ऑफ कम्युनिज्म की। और हमने पहले बात की थी कि जॉर्ज ऑरवेल ने इस नॉवल का टाइटल सजेस्ट किया था मुल्कराज आनंद को। ये नॉवल मुल्कराज आनंद की ट्रिलॉजी का लास्ट नॉवल है। पहले दो नॉवल के बारे में हम बात कर चुके हैं, पहला है द विलेज, दूसरा है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और तीसरा यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस नॉवल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, नेक्स्ट नॉवल की बात करते हैं। उसका नाम है द बिग हार्ट। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1945 में। इस नॉवल में कहानी है एक कॉपर स्मिथ की, कि वो किस तरह से स्ट्रगल करता है जब कैपिटलिस्ट स्टार्ट होता है सोसाइटी में। मींस ये करेक्टर कॉपर की कुछ चीज़ें बनाता है छोटी छोटी, लेकिन जब वहाँ पर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है इसी काम की तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो बेकार हो जाता है एक तरीके से। और उस करेक्टर की इसी स्ट्रगल को इस नॉवल में दिखाया गया है। तो पहला करेक्टर जो है, जो प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवल का, उसका नाम है आनंदा। ये वही कॉपर स्मिथ है जिसकी स्ट्रगल इस नॉवल में दिखाई गई है। ये बम्बई से आया है। दूसरा करेक्टर है इसमें पूरन सिंह भगत, ये एक पोएट है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है मुल्कराज आनंद का, उसका नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये नॉवल सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1953 में। मुल्कराज आनंद के दूसरे नॉवल की तरह इसमें भी उसने पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म पर फोकस किया है। मेनली ये नॉवल फोकस करता है प्रिंसली स्टेट सिस्टम पर, जो इंडिया में उस टाइम पर काफ़ी थी जब देश आज़ाद हो रहा था। एक्चुअली में क्या होता था, लोग बाग छोटी छोटी रियासतों के मालिक बन जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, दूसरे ऐसे ही रियासतों में आपस में क्लैश होता रहता था और जो नुकसान होता था वो कंट्री का होता था। और इन चीज़ों की वजह से ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 साल हुकूमत की थी। मुल्कराज आनंद का नेक्स्ट नॉवल आता है द ओल्ड मैन एंड द काउ। ये मुल्कराज आनंद का पहला ऐसा नॉवल है जिसमें जो सेंटर करेक्टर है वो एक फीमेल है। इससे पहले के या दूसरे नॉवल्स में सभी जो सेंटर करेक्टर हैं वो मेल हैं, और इस सेंटर करेक्टर का नाम है गौरी। ये नॉवल सोसाइटी में वुमेन के स्टेटस को दिखाता है। मुल्कराज आनंद इंडियन ट्रेडिशन सोसाइटी में वुमेन की सफरिंग को एक्सप्लोर करता है और अपने इस नॉवल के थ्रू दिखाता है कि वुमेन को किस किस तरह से सप्रेस किया जाता है। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी में जो मेजर सोसाइटी है इंडिया की, वुमेन को माता कहा जाता है, मींस मदर, देवी कहा जाता है मींस गॉडेस, और लक्ष्मी कहा जाता है मींस गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये कहा ही जाता है, ये किताबों में है, वेदों में है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। ये सिर्फ टाइटल्स हैं जो वुमेन को दिए गए हैं, हकीकत में वुमेन से कोई अच्छा बिहेव नहीं करता। उस टाइम पर वुमेन की जो कंडीशन थी,
काफ़ी मिजरेबल थी और वुमेन को मेंटली फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। इसी तरह उसने दिखाया कि वुमेन की तरह कव को भी सीक्रेट माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में कव एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है वुमेन के लिए। सो इस नॉवल में यही सब चीज़ें हैं, वुमेन का स्टेटस, वुमेन के बारे में, उसकी सफरिंग और क्या क्या सोलूशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने इस नॉवल में इंक्लूड की हैं। सो गाइज, हमने इस वीडियो में मुल्कराज आनंद के कुछ मेजर नॉवल्स, कुछ माइनर नॉवल्स को डिस्कस किया। मैंने इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की है ताकि बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो यूजफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।